चले बंदे लोग छिड़क रहे हैं बस इतना है। क्या पूछा गया था ये बताइए तो भाई सब जान जाई है ढंग से 90+ अच्छा लिए 95 के करीब सर। यार SSC GD का फर्स्ट स्टेप का एग्जाम छूट चुका है, अभी बच्चे निकलेंगे हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग और रीजनिंग भी है थोड़ा टाइम। जिया सर हिंदी क्वेश्चन याद हो बताइए। हाँ जीएस और हिंदी में हिंदी काफी इजी है जैसे कि मुहावरे ब्लॉम सब। हाँ ब्लॉम शब्द याद है, बेहक का पूछा गया था पच्छी। अच्छा ब्लॉम शब्द। हाँ ब्लॉम शब्द था और शायद बेहक का को पर्यायवाची पूछा। हाँ पर्यायवाची पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे करके। हाँ और बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग में पूछा गया था, जीएस में पूछा गया था महलवाड़ी प्रथा किसने दी है। हाँ महलवाड़ी प्रथा करके दी थी। करंट के बहुत से क्वेश्चन थे, एशियाई गेम कहाँ हुआ है, मतलब 2022 का कहाँ आयोजित होगा, और थर्ड हाँ और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये और बहुत करंट की थी। हिस्ट्री से नदी वगैरह हिस्ट्री नहीं, नदियों से कुछ नहीं था। अवार्ड थे, आपने क्यों अपने एग्जाम दिया था, याद है कुछ क्वेश्चन आइए बताइए आके। पता नहीं कैसे लोग जॉब करेंगे क्या करेंगे, अभी से इतना डर है इन लोगों के अंदर। और कुछ याद हो तो बताइए। हिंदी का पैराग्राफ था एक, अच्छा अच्छा, उसमें 5 क्वेश्चन मतलब चूज करने थे किसमें कौन सा भरेंगे। हाँ हमने 88 क्वेश्चन किए हैं हिंदी में। अपने फ्रेंडों को बताना चाहता हूँ कि हिंदी में ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी पे जो आ रहे हैं भरने वाले ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, और पर्यायवाची थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा और विलोम शब्द, बाकी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2-3 मिले हुए हैं, ज़्यादा नहीं मिला। मैं आज का हाँ जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था, जिसका जिसका अंग कट चुका हो उसे क्या बोलते हैं, जिसका कोई एक अंग बेकार हो गया हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था जिसका जिसकी माँ मर गई हो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके। और मैथ के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके आय जात से आय वाले से ज़्यादा, हाँ CISI के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके पाइप टंकी से बहुत क्वेश्चन पूछे, 2-3 क्वेश्चन पाइप टंकी से पूछे गए हुए हैं, और आपके एडवांस मैथ के 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं, एडवांस मैथ ज़्यादा आ रही है। उसमें बेलन वाला एक पूछ लिया था, एक वो वृत्ताकार वाला पूछ लिया था, एक पाइप टंकी वाला पूछ लिया था, टंकी की पुताई में कितना खर्च आएगा, ऐसे करके। और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, मतलब रीजनिंग आ रही है वैसे डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं आ रही है। जीएस में कुछ क्वेश्चन याद हो? जीएस में आपका बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो होते हैं ना करंट अफेयर्स वाले, करंट अफेयर्स वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। 90+ के हैं आपने? 90+। अच्छा क्यों आप लोग एग्जाम देखा है, कुछ याद होगा कितने की क्वेश्चन बताओ, अभी तक लगता तो कहाँ सफाई बने क्या कर पाओगे हैं? अरे बहुत आगे तक जाए कहने सब। चलो अच्छा अच्छा हाँ बताओ, कुछ याद हो क्वेश्चन जीएस जीएस में? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहा था, जैसे बढ़िया। अब जैसे बढ़िया का क्रम व्यवस्थित शब्द रहा, रीजनिंग के सब आसान आसान रहा एकदम। अब हिंदी में फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना हिंदी में, और जीएस मैथ कैलकुलेटिव थी थोड़ा, मैथ से ज्यादा वो चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आया था, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा सवाल आया, करीब 10-12 सवाल आया, वो बहुत आया। और याद हो तो बताओ, क्वेश्चन याद होता है, टॉपिक तो पता है सब कुछ, ज्यादा था ये बताओ क्या पूछा गया था। ये बताइए तो भाई सब जान जाई हैं, वहाँ जाइए बस वहाँ करिए ढंग से। माता इन्फ्लीज मच्छर उससे संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब जीएस में जी। तो ये लोग जान जाएंगे तो क्या होगा फिर? तो भाई जान जाइए, वो पता चली याद गए कि नहीं है, वो हम लोग का ट्रैक करिए और का। अच्छा अच्छा ये इतना दूर से घर द्वार छोड़ पेपर दे आए, इन्हें पहले बताए दे तो ये लोग ढंग से न करिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं आता ना, सोचो भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। भला ऊपर वाले करते हैं, उसे पढ़े पढ़ते तब भला हो। चलो कर अभी देखो हमने 75 क्वेश्चन किए, इसमें से जीके जीएस टफ थी और मैथ तो वैसे ही टफ होती है। तब तो दिले नहीं, क्वेश्चन बताओ कुछ क्या पूछे गए थे। हमारा एग्जाम नहीं था, ये इनका एग्जाम, मेरा एग्जाम नहीं था, नहीं इसका एग्जाम नहीं था। आपको क्या बताए इसके बारे में, आप मेरे चले पंदे लोग छिड़क रहे हैं बस इतना है। ये पर याद नहीं, क्वेश्चन नहीं याद।
कम से कम कर लिए 95 के करीब। कम से कम उसमें तो पता होगा लिख के आया होगा ना 95 हाँ। ये बाद में जी तो कुछ याद हो क्वेश्चन हिंदी और हाँ काफ़ी याद है। बताओ जैसे जैसे आईपीएल के बारे में पूछा था, थोड़ा तेज बोलो आईपीएल के बारे में। आईपीएल के बारे में क्रिकेट के बारे में वो पूछे थे नहीं ज़्यादा ज़्यादा। अरे हॉकी के बारे में पूछा कि उनका क्या क्वेश्चन है वही सब बता रहे। हॉकी बारे में क्या पूछा, हॉकी बारे में बताओ ना पूछा क्या था। फिर जो आ रहे थे ऑप्शन वो तो दिए थे ना। अच्छा और कुछ बताओ क्वेश्चन और सब यही है। हिंदी में, हिंदी में किया 95 किए तो तुम्हें कुछ दो चार क्वेश्चन याद होंगे ना। तो याद रहता रही आ गया ये मैं था गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। अच्छा अच्छा जी कितने किए क्वेश्चन? 95। वेरी गुड। आज वाला सरल पेपर था का कोई 90 तक पूछ ही नहीं रहा कभी? सरल तो नहीं था लेकिन मीडियम था। अच्छा अच्छा तो ये बताओ कि कुछ याद हो उसके अलावा दत्तक पुत्र के अलावा कुछ करंट अफेयर में जीएस में हिस्ट्री में भूगोल साइंस करंट में। एशियाई खेलों से आया था, एशियाई खेलों से। एशियाई खेल कब होंगे? कुछ नहीं 2000 उसमें मतलब ब्रिक्स से ब्रिक्स का पूछा था 2021 का। अच्छा जी कहाँ पे हुआ था? भारत। अच्छा, भारत में। और बताओ कुछ याद है? हाँ जी बताओ बताओ। मतलब ये आता है जी आईपीएल में जब मुंबई इंडियंस ने संस्करण कितने जीत लिए? अच्छा कौन सा संस्करण? हाँ कितने बार जीते मतलब संस्करण? हाँ एक आया था मतलब हिंदी में मतलब एक ही माह से मतलब दो बच्चे पैदा हुए उसे क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा और बताइए कुछ। और तो सर याद नहीं है। और याद है कुछ? एक बानर का पर्यायवाची आया था, बानर का पर्यायवाची आया था बदड्डा रेलवे स्टेशन। और याद नहीं आ रहे अभी यार सही से। अभी बताएंगे याद है। बताना कुछ याद है? हाँ कितने करके आए? क्या मतलब कितने करके कुछ करके थे? तो मुंबई इंडियन आईपीएल खिताब कितनी बार जीता है? कितनी बार जीता है ये तो हमने बताया। मुंबई इंडियंस के बारे में पूछा था कितने बार जीता है और पूछा था कि कार्तिक माह के पहले कार्तिक में कौन सा पर्व आता है। अच्छा अच्छा और ऐसी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा था। कार्तिक अमावस को कौन सा दिन पड़ता है? अमावस को हाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ऐसा है। और कुछ याद है आपको? आपको याद है कुछ? हिंदी सरल थी क्या? हिंदी था क्वेश्चन? हिंदी था हिंदी में वो नारियल वाला आया था। नारियल तोड़ना बहुत कठिन होता है। नारियल का वो पूरा वो आया था पैराग्राफ। हाँ गद्दांस खाली खाली हाँ वो सरल था बहुत सरल था। अभी दूसरा सेकंड में दो कर दिया। अच्छा अच्छा कितने करके आए आप लोग? 70। 70 आप? 87। आप कितने की? सर 85। कुछ क्वेश्चन याद होता है ये? यही सब याद नहीं कुछ। सभी एक दो क्वेश्चन होंगे चार पांच याद आ जाते हैं। हमने पढ़ा था आ गया ऐसा कुछ बड़ा आसान होता है कुछ लगा हो आपको बताइए तब तक आप याद कर लीजिए। सर कुछ है हिंदी जीएस में पर्यायवाची विलोम शब्द और ये मुहावरे लोकोक्ति कुछ नहीं याद? याद तो सारा वन करंट अफेयर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको पूछ लिया था तपेदिक दिवस कब हुआ था, एक क्वेश्चन निमोनिया में आ गया था निमोनिया दिवस कब मनाया गया। दो पूछे गए हाँ हाँ निमोनिया हाँ दोनों क्वेश्चन आ गए थे। और अभी जो उनकी शशि थरूर की पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया था, पुस्तकों से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। शशि थरूर के भी पूछा गया और एक कई पुस्तकों का एक चार्ट दे दिया था उसमें मैच करने वाले नहीं थे मगर उसमें बताना था कि कौन सी पुस्तक इनकी है कि है कि नहीं है। सही थरून वाला मुझे याद है तो मैंने वो बता दिया आपको। ओके थैंक यू वेलकम। आ जाओ आ जाओ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 82। याद बताइए मुझे हिंदी में याद है वो एक विलोम शब्द आया था गमन का। हाँ आगमन। और वो एक जे था एक का वो एक जे क्वेश्चन था कि कार्तिक अमावस के कौन सा त्यौहार पड़ता है। हाँ एक जे क्वेश्चन आया था। और वो हॉकी के बारे में और आया था वो दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर से ज़्यादा आए थे।